chapter 5 and today we will start a chapter number 6. So what is the name of our chapter? Hasi Ka Pitana. It is very interesting chapter. So chapter number 6, page number 35. So first word is Hasi. What is mean by Hasi? हम जब मजा मस्ती करते हैं तो obviously हमें हंसी आती है. When we are happy, so we are smiling. तो ये है हंसी. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड क्या होता है? ठठोली और मजा. So we'll write here. हंसी, इसको हम बोलते हैं ठठोली और मजाक. ओके, पिटारा. व्हाट इज मीन बाय पिटारा? द कलेक्शन, द स्टॉक ऑफ जोक्स. सो उसको हम देखेंगे सेकेंड वर्ड पिटारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पात्र. बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिटारा. ओके, सो फर्स्ट लाइन इन दिस चैप्टर इज, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व होता है. करेक्ट, आपको पता ही होगा कि यू ऑल नो दैट व्हेन वी आर गोइंग टुगेदर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वी आर एंजॉयिंग, वी आर लाफिंग, वी आर शेयरिंग जोक्स एंड हमारी जो बातें होती है उस पर हम हंसते हैं. तो ये जो एक साथ हम मिलते हैं तो वी आर शेयरिंग आवर हैप्पीनेस. तो जीवन में क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस, और उसका मेन सोर्स है हंसी. हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है. जब हम कुछ टेंशन में होते हैं या कुछ ऐसी बात होती है तो जब हम जोक सुनते हैं तो क्या होता है? हमें हंसी आ जाती है. इसलिए यहाँ पे लिखा है हास्य जीवन में दुख भुलाकर. जब हम सैड होते हैं तो हमारा कोई फ्रेंड आता है, हमारे साथ बैठता है, मस्ती करता है, जोक सुनाता है तो हमें हंसी आती है. तो क्या होता है? हम अपना दुख भूल जाते हैं. हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. यस, आपने देखा होगा कि हम जॉगिंग करने जाते हैं, गार्डन होते हैं, पार्क्स होते हैं, या फिर अभी तो जिम में भी जहां आप जाते हो तो फिर वहां पे क्या एक एक्सरसाइज होती है जो है लाफिंग एक्सरसाइज. सब इकट्ठा गार्डन में आप देखते होंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में, सब एक साथ मिलके वहां पे ग्रुप बना के जोर जोर से हंसते हैं. एंड दिस इज अ वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिससे हम हैप्पीनेस मिलती है. तो यहाँ पे ऐसे कुछ चुटकुले होते हैं. चुटकुले मीन्स जोक्स. तो एक नया वर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, चुटकुला. तो होगा विनोद. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए. पिक्चर में आप देख सकते हो कि उसकी मम्मा उसको बता रही है कि बेटा जरा देखना कि जहां पे गेहूं रखे हैं तो उसको गाय ना खा जाए. अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है. फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? उसकी मम्मा वहां पे आई तो उसकी मम्मा ने देखा कि जो डोंगी था गधा वो क्या खा रहा था? गेहूं खा रहा था. और तुम उसे हटा ही नहीं रहे हो. तो मम्मी ने वो बच्चे को बोला, तो गेहूं खा रहा है तुम उसको हटा क्यों नहीं रहे हो? तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है. तो वो बॉय जो बच्चा था वो क्या बोल रहा है कि आपने क्या बोला था? गाय आए तो उसको हटाना, आपने थोड़ी बोला था कि गधा है तो उसको हटाना. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, जिसमें है सेकंड चुटकुले. दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. दो फ्रेंड्स थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? व्याकरण यानी ग्रामर, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. पहला दोस्त, उसमें से एक दोस्त ने बोला, दीपक मिठाई नहीं खाता. इसमें दीपक क्या है? तो वो सेंटेंस था कि दीपक मिठाई नहीं खाता है. तो उसमें हमें क्या करना था? उसमें दीपक क्या है तो उसको फाइंड आउट करना था कि दीपक क्या है. जैसे हमारा नाउन प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे फाइंड करना था. दूसरा दोस्त मुर्ख, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फाइंड करना चाहता था जो दीपक है वो नाउन या प्रोनाउन है, नाम या सर्वनाम है. तो उसका फ्रेंड जो था उसने क्या बोला कि दीपक मूर्ख है. थर्ड, मालिक, नौकर से. मालिक जो था वो अपने नौकर से बोल रहा था, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. तो उसने सर्वेंट को बोला कि तुझे कोई भी काम करना है तो तू मुझे पूछ लिया कर. नौकर, थोड़ी देर के बाद जो नौकर था वो थोड़ी देर के बाद बोला, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं?
तो जैसे मालिक ने बोला था कि तुझे कोई भी काम करना हो तो मुझे पूछ लेना, तो वहाँ किचन में मतलब वहाँ पे एक बिल्ली आई थी जो दूध पी रही थी, तो उसने क्या किया, बिल्ली को भगाया नहीं, पहले अपने मालिक के पास गया और वहां जाके पूछ रहा है कि क्या मैं वो बिल्ली को भगाऊं। फोर्थ, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, एक दुकानदार के पास जाके वो पर्सन जो था वो वहां पे बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? उसने वो शॉपकीपर से बोला कि क्या कुत्ते को जो बिस्किट खिलाते हैं वो यहाँ पे मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? तो दुकानदार ने वो पर्सन को बोला कि आप यहाँ पे खाओगे या फिर घर लेके जाओगे? तो इनडायरेक्टली वो उसके साथ मस्ती कर रहा था कि आप यहाँ पे खाओगे कि घर लेके जाओगे। फिफ्थ वन, रामू जो था वो अपने फ्रेंड शामू को देखकर बोला, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने क्या बोला कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? शामू, मूर्ख हो क्या? तो शामू ने बोला कि तुम मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो उसने बोला, वो कुत्ते के साथ जा रहा था, डॉगी के साथ जा रहा था, तो उसने बोला कि ये गधा नहीं है, ये तो डॉग है। रामू, मैं तो कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो रामू ने क्या बोला कि मैं तो कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चुटकुले थे वो हमने तो ये चैप्टर में जो चुटकुले थे जिसको सुन के ऑब्वियसली आप हंसे भी हैं, तो इस तरह से हम एक एक्टिविटी करते हैं कि जब आप स्कूल में आओगे तब हम ये चैप्टर के बारे में यानी अपने खुद के पास जो जोक्स है वो जोक्स आप यहाँ पे शेयर करोगे, जिसके साथ तो यहाँ पे आपने 5 डिफरेंट टाइप्स के जोक्स सुने और ऑब्वियसली आई होप कि आपको हंसी आई होगी। तो इस तरह से चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं कि जब आप स्कूल में आओगे तो हम क्या करेंगे कि आप अपने जो मन पसंद है, आपको जो भी जोक्स पसंद है वो लेके आना। तो यहाँ पे एक लेक्चर में हम वो एक्टिविटी करेंगे, 1 by 1 सबको बुला के वो जोक्स हम सुनेंगे। एक एक्सरसाइज है जो हम देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। हमें क्या करना है, विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड, विरोधार्थी वर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे विरोधार्थी विलोम शब्द, उसके बाद उपर्युक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले विलोम शब्द फाइंड करना है एंड देन आपका विल मेक सेंटेंस। तो सबसे पहले है सूखा, तो सूखा का ऑपोजिट क्या आएगा, गीला। देन आफ्टर मूर्ख, व्हाट इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ मूर्ख, बुद्धिमान। गलत, व्हाट इज विरोधार्थी ऑफ गलत, गलत का विरोधार्थी होगा सही। दिन, दिन का ऑपोजिट क्या होता है, रात। फोर नंबर। आफ्टर दैट सुबह, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सुबह, शाम। फिफ्थ नंबर, लास्ट वन इज दोस्त, व्हाट इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ दोस्त, दोस्त का होगा दुश्मन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके विलोम शब्द की पैर बना लिया। अब ये जो पैर बनी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट वन है सूखा और उसका ऑपोजिट वर्ड है गीला, हमने यहाँ पे ये पैर बना ली है ऑपोजिट वर्ड की। पहले है जैसे सूखा तो उसका ऑपोजिट आएगा गीला। अब ये दोनों वर्ड्स को यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है, इसकी PDF भी मैं आपको सेंड करूंगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, मैच किया। तो नाउ वी नीड टू यूज बोथ द वर्ड्स एंड वी नीड टू मेक सेंटेंस, हम दोनों का उपयोग करके एक वाक्य बनाएंगे। जैसे यहाँ है सूखा गीला, तो उसका सेंटेंस हम बनाएंगे जैसे कि मैंने सोचा मेरा पायजामा सूखा हुआ है लेकिन वह गीला था, तो उसको हम सेंटेंस में लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे उसको, मैंने सोचा मेरा पजामा
क्या वर्ड यूज करेंगे? सूखा। लेकिन वह क्या था? गीला था। ओके, तो यहां पे मैं ये क्या होगा? लेकिन वह गीला था। तो हमने दोनों वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाया। तो ऐसे ही ये सारे सेंटेंस बनाने हैं। मैंने सेंटेंस बनाया, वैसे दूसरे वर्ड्स को यूज करके हमें उसका सेंटेंस बनाना है, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी। इन्हें और क्या कहते हैं छाटकर लिखिए। आपको दिख रहा है, जैसे ये दो दिए हुए हैं अलग अलग बॉक्स में, दो मूर्ख। मूर्ख का सिमिलर वर्ड्स यानी समानार्थी वर्ड क्या होगा? बेवकूफ। सुबह, सुबह का क्या होगा? प्रातः काल। वक्त का क्या होगा? समय। तो अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है, दोस्त और मित्र। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे, यानी हम सेंटेंस सेम रखेंगे लेकिन जो वर्ड्स है वो हम दूसरा यूज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी और आपको वो नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।